गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, उसको पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था कि एंट्रोपी किसे कहते हैं और फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का क्या भौतिक महत्व है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस की एंट्रोपी क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अपने नोट्स के अंदर इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय में आने पर आपको याद रहे कि ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं, सबसे पहले आदर्श गैस की एंट्रोपी निकालने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का एक दूसरा नाम हम यदि हम कहें तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था। अव्यवस्था का मापन ही एंट्रोपी कहलाती है। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितनी अव्यवस्था अधिक होगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। जैसे यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अरेंज्ड रहते हैं इन कंपैरिजन टू द लिक्विड स्टेट, सो एंट्रोपी क्या होगी सॉलिड स्टेट की, कम होगी। जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे सॉलिड को, सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उससे वो अपनी यदि स्टेज को चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से और टेम्परेचर बढ़ा दें, यदि हम और हीट एनर्जी उसको दे दें, जिससे कि यदि वो गैसियस स्टेट के अंदर आ जाता है, तो उसकी एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। इट मीन्स क्या हो गया, हम कह सकते हैं हायर एंट्रोपी सिस्टम शुड बी इन अ ग्रेट डिसऑर्डर। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। क्लियर? तो आज के आर्टिकल में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, एक आदर्श गैस की एंट्रोपी क्या होगी। क्लियर? आदर्श गैस से मतलब आप समझ में आ रहा होगा, PV इज इक्वल टू RT, ये आपकी आदर्श गैस इक्वेशन है। तो किसी भी आदर्श गैस की एंट्रोपी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल हम यदि आइडियल गैस का कंसीडर कर रहे हैं, जिसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इसको, हमने इसको बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, इनफाइनिटिजमल स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, DQ इज एडिड टू इट। यानी हम उसको DQ हीट यदि हम उस आदर्श गैस को दे दें, तो थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार DS बराबर क्या होता है, DQ अपॉन T। ये हम पहले ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के अनुसार DQ बराबर हो गया DU प्लस DW। DU हो गया आपका आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन एंड DW इज वर्क डन। क्लियर? सो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला दूसरा नियम है और समीकरण 2 जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है। अब हम यदि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के अनुसार CV बराबर होता है DU/DT। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो DU बराबर क्या हो गया, CV/DT। और वर्क डन किसके बराबर होता है, ऑलरेडी वी नो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, DW बराबर क्या होगा, PdV। जहाँ P क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द 1 मोल गैस एंड DV इज अ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल हम समीकरण 2 में कर रहे हैं। सो DQ बराबर, DU की जगह हमने रख दिया CV/DT, DW की जगह रख दिया हमने PdV। अब क्या कर रहे हैं हम इसको, इसमें इस पूरी समीकरण को हम T से डिवाइड कर रहे हैं। सो DQ/T इज इक्वल टू CV/DT/T प्लस P अपॉन TdV।
अब यहाँ से डी क्यू बाई टी हमारे पास समीकरण वन से क्या बन गया, आपके पास डी एस आ गया, यानी हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आ गई है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एंट्रोपी निकालनी है कब, जब उसका डी क्यू हीट देने के बाद उसमें जो एंट्रोपी प्राप्त हो रही है उसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, डी टी बाई टी, यहाँ पर आ रहा है डी वी डिवाइडेड बाई इंटू पी अपॉन टी। तो हम यहाँ से पी अपॉन टी को रिप्लेस करके वी की फॉर्म में ले आएंगे। वी की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, वन मोल गैस की क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। सो पी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन वी। तो जो समीकरण तीन थी उसमें हमने पी अपॉन टी की जगह रख देंगे आर अपॉन वी। सो डी क्यू अपॉन टी, जिसे हम डी एस कहा है हमने थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम से, सो दैट कम्स आउट टू बी सी वी डी टी अपॉन टी। पी अपॉन टी की जगह हमने रख दिया आर अपॉन वी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसको हमने अलग ले लिया, डी वी अपॉन वी इस प्रकार से लिख दिया हमने इसको। सो डी एस बराबर हो गया सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेट करके हम एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, एंट्रोपी में कितना परिवर्तन हुआ है आदर्श गैस की वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि सपोज जब इनिशियल कंडीशन थी, जब गैस हमने इनिशियली ली थी, उस समय यदि उसका प्रेशर पी ज़ीरो था, वॉल्यूम वी ज़ीरो था, टेम्परेचर टी ज़ीरो था और एंट्रोपी एस ज़ीरो थी, ठीक है, यानी डी क्यू हीट देने से पहले इनिशियल कंडीशन में जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, पी ज़ीरो वी ज़ीरो टी ज़ीरो एंड एस ज़ीरो, ये थर्मोडाइनमिकल पैरामीटर्स थे। अब डी क्यू हीट देने के बाद उसकी एंट्रोपी सपोज एस हो जाती है, टेम्परेचर टी हो जाता है और वॉल्यूम वी हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स, यानी एंट्रोपी एस ज़ीरो से एस हो गई, टेम्परेचर टी ज़ीरो से टी हो गया और वी ज़ीरो से वी हो गया आपका आयतन। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एस माइनस एस ज़ीरो इज इक्वल टू सी वी। अब डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रल हो गया वो हो गया लॉग टी, लिमिट पुट करी आपने तो क्या बन गया, लॉग टी माइनस टी ज़ीरो, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। तो आपके पास क्या आ गया, एस माइनस एस ज़ीरो इज इक्वल टू सी वी लॉग टी अपॉन टी ज़ीरो प्लस आर लॉग वी अपॉन वी ज़ीरो। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर फोर। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको वापस से ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप चाहें तो यहीं पर ही रिजल्ट को आप एंड कर सकते थे, या एक दूसरा तरीका है इसको लिखने का, वो है आपके पास, इसको मैंने खोल दिया, सी वी लॉग टी प्लस आर लॉग वी, और जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको हमने इस साइड में लिख दिया है और एस ज़ीरो को हम यहाँ ले आएँ। यानी जो डी क्यू हीट देने से पहले जो इनिशियल कंडीशन पर पैरामीटर्स थे उनको हमने एक साथ लिख लिया है। सो दैट कम्स आउट टू बी सी वी लॉग टी प्लस आर लॉग वी प्लस एस ज़ीरो माइनस सी वी लॉग टी ज़ीरो माइनस आर लॉग वी ज़ीरो। अब ये जो चीज़ें हैं इसको हम एक कांस्टेंट भी मान सकते हैं, जो इनिशियल कंडीशन की चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पर इसको हम एज इट हम एज ए कांस्टेंट मान लें, इनिशियल स्टेट एज्यूम एज ए रेफरेंस स्टेट, इसको यदि हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, सो टेक इट इज एज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। सो एस बराबर हो गया सी वी लॉग टी प्लस आर लॉग वी प्लस कांस्टेंट। ये आपका आ गया एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्लियर। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस की एंट्रोपी ताप और आयतन के रूप में। अब यदि हमारे पास एग्जाम में सवाल आता है कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रिजल्ट को आप वापस से चेंज करेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में निकालना है और आपके पास जो रिजल्ट है यहाँ पर वो टेम्परेचर और वॉल्यूम में है, यानी मुझे इस टर्म को यहाँ से रिप्लेस करना है। सो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, आदर्श गैस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं वापस से, पी ज़ीरो वी ज़ीरो इज इक्वल टू आर टी ज़ीरो और पी वी इज इक्वल टू हो गया आपके पास आर टी। अब क्या किया हमने, इसको इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करा है, यानी पी वी डिवाइडेड बाई पी ज़ीरो वी ज़ीरो इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई आर टी ज़ीरो। आर से आर आपका कैंसिल हो गया, वी अपॉन वी ज़ीरो पी अपॉन इंटू पी अपॉन पी ज़ीरो इज इक्वल टू टी अपॉन टी ज़ीरो और वी अपॉन वी ज़ीरो बराबर हो गया टी अपॉन टी ज़ीरो इंटू पी अपॉन पी ज़ीरो को जब हम इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये बन गया पी ज़ीरो अपॉन पी।
तो v अपॉन v जीरो की वैल्यू इक्वेशन नंबर चार के अंदर, जो आपके पास यहाँ पर समीकरण चार थी, इस समीकरण चार के अंदर v अपॉन v जीरो को यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं। सो v अपॉन v जीरो को जब यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ गई s माइनस एस जीरो सी वी लॉग टी अपॉन टी जीरो प्लस आर लॉग टी अपॉन टी जीरो इंटू पी जीरो अपॉन पी। अब लॉग ए इंटू लॉग बी का इस्तेमाल करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। सो सी वी लॉग टी अपॉन टी जीरो प्लस आर लॉग टी अपॉन टी जीरो प्लस आर लॉग पी जीरो अपॉन पी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर रही हूँ, पी जीरो अपॉन पी की जगह मैं पी अपॉन पी जीरो करूँगी, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, लॉग ए माइनस बी में से लॉग ए अपॉन बी को हम खरें खोलेंगे तो ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी, माइनस साइन हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस आर लॉग पी अपॉन पी जीरो। अब यहाँ से ये जो दोनों पहली जो दो टर्म्स हैं, इसमें से लॉग टी अपॉन टी जीरो को हमने कॉमन लिया है तो आपके पास क्या आ गया, सी वी प्लस आर। नाउ भी हम जानते हैं सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर के बराबर होता है। सो सी वी प्लस आर को हम की जगह क्या लिख सकते हैं, सी पी। सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी एस माइनस एस जीरो सी पी लॉग टी अपॉन टी जीरो माइनस आर लॉग पी अपॉन पी जीरो। अगेन ये इक्वेशन नंबर पाँच हो गई, इसको भी हम यहीं पर भी छोड़ सकते थे। एग्जाम में यदि हम आपके पास आता है कैलकुलेट द एंट्रॉपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। और या फिर जैसे हमने ऊपर किया था, रेफरेंस पॉइंट को हम अलग ले लें और उसको कॉन्स्टेंट मान लें, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू सी पी लॉग टी माइनस आर लॉग पी, यानी ये जो आपकी रेफरेंस वाले बिंदु हैं इनको हम अलग लेके राइट हैंड साइड में लेकर इनको हम एक कांस्टेंट के रूप में मान सकते हैं। सो एस बराबर हो गया सी पी लॉग टी माइनस आर लॉग पी प्लस कांस्टेंट। तो ये आ गया आपका एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसी प्रकार से यदि आपके पास एग्जाम में सवाल आ जाता है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में सवाल जो पूछा गया है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो यदि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, समीकरण चार में ये जो आपके पास समीकरण चार थी, ये जो समीकरण चार थी इसके अंदर ये इक्वेशन क्या थी आपकी, टी और वी की फॉर्म में थी, तो आप क्या करोगे, टी अपॉन टी जीरो को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ से उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है आदर्श गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, पी जीरो वी जीरो इज इक्वल टू आर टी जीरो एंड पी वी इज इक्वल टू आर टी, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, आपके पास क्या आ गया, टी अपॉन टी जीरो इज इक्वल टू पी अपॉन पी जीरो इंटू वी अपॉन वी जीरो। अर्थात समीकरण चार के अंदर टी अपॉन टी जीरो को हमने रिप्लेस किया एस माइनस एस जीरो इज इक्वल टू सी वी लॉग पी अपॉन पी जीरो इंटू वी अपॉन वी जीरो प्लस आर लॉग वी अपॉन वी जीरो। अगेन इसको खोल दिया हमने वापस से लॉग ए इंटू लॉग बी को, लॉग ए प्लस लॉग बी यानी सी वी लॉग पी अपॉन पी जीरो प्लस सी वी लॉग वी अपॉन वी जीरो प्लस आर लॉग वी अपॉन वी जीरो। अब ये जो लास्ट की दो टर्म्स हैं इनको हमने कंबाइंड किया है और इसमें से लॉग वी अपॉन वी जीरो को हमने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, सी वी प्लस आर। अगेन यूज द रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सो सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी। सो द रिजल्ट कम्स आउट बी एस माइनस एस जीरो इज इक्वल टू सी वी लॉग पी अपॉन पी जीरो प्लस सी पी लॉग वी अपॉन वी जीरो। अगेन द सेम थिंग, आप चाहें तो इस रिजल्ट को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि एस माइनस एस जीरो, एस क्या है, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस आफ्टर सप्लाइंग द हीट डी क्यू, एस जीरो यानी इनिशियल है, ये फाइनल है आपकी एंट्रोपी, पी इनिशियल प्रेशर था गैस का, पी जीरो इनिशियल प्रेशर था, पी आफ्टर गेटिंग द हीट डी क्यू द प्रेशर बिकम्स पी। इसी प्रकार से वॉल्यूम वी जीरो इनिशियल वॉल्यूम था गैस का और डी क्यू हीट मिलने के बाद उसका वॉल्यूम वी हो जाता है। तो आप चाहें तो इनिशियल वालों को आप एक साइड में ले जाकर कांस्टेंट बना सकते हैं जैसे कि हमने शुरू में भी किया था। सो एस कम्स आउट टू बी सी वी लॉग पी प्लस सी पी लॉग वी प्लस कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज एज ए रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा एक रेफरेंस बिंदु बन जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम आदर्श गैस की एंट्रोपी को अलग अलग रूप में निकाल सकते हैं।
जिस भी रूप में एग्जाम में पूछा जा रहा है आप उसी रूप में उसको निकाल लेंगे, लेकिन जो शुरुआत में आपकी निकलेगी वो आपकी वही निकलेगी आपकी टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में। टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में निकालने के बाद जिस भी रूप में एग्जामिनर पूछ रहा है उसी रूप में आप निकालेंगे। यदि आपसे वो नहीं पूछ रहा है तो आप सीधे ही वॉल्यूम और टेम्परेचर के रूप में निकाल कर रिजल्ट को निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टर्न पर हम एक नए आर्टिकल के साथ एक नए लेक्चर में आपको मिलेंगे। थैंक यू।